पास आए हैं, उन्होंने इस पूरे घटनास्थल का कई बार रेकी किया हुआ था। आने के बाद वो लगभग कैशियर जो अकाउंट के पास, जो अकाउंटेंट के पास गए, वहाँ जो पैसा रखा हुआ था जो एक जगह पर, वो पैसा उठा के लगभग तत्काल वो निकल गए हैं। उसमें उनके बहुत सारी जानकारियाँ उनके जो फुटेज में है वो वहाँ पर कैद हो चुकी हैं। पुलिस की टीमें इसमें लगाई गई हैं। इसमें जिन इलाकों में गए हैं, पुलिस को प्रारंभिक सूचना मिली है, उन इलाकों में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। इसको हम लोग, हमारी टीमें क्राइम ब्रांच और बाकी टीमें भी लगी हैं। उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, क्या होलिया के अलावा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये बैंक से, हो सकता है बैंक के पहले ग्राहक भी हों, ऐसा लग रहा है, उसमें प्राण जानकारी है। तो हम लोग और भी बैंक से जानकारी हम लोगों ने मांगी है। साथ ही साथ बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है, समान तौर पे हम जानते हैं कि बैंक में जो भी ग्राहक आए उनको मुंह, उनको मास्क हटा करके यहाँ पर एक कैमरे में अपना फोटो दिखाना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों एक गाइडलाइन जारी की थी कि जो भी सराफा की दुकानें हैं, जो भी बैंक्स हैं, वहाँ पे कोई भी ग्राहक अगर आएगा तो मास्क उतार करके उसको एंट्री पॉइंट पे उसको अपने फेस को वहाँ पे दिखाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का निश्चित तौर पे इन्हें पालन करना चाहिए था। खैर, इसमें जो चीज़ें मास्क के साथ आएँ, लेकिन उनका पूरी तरह से बुलिया और भी चीज़ें, उनके जो बहुत सारी जानकारियाँ उनसे संबंधित, फिंगरप्रिंट से सारी चीज़ें मिली हैं। इसमें अलग अलग हमारी टीमें लगी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा इस बैंक में सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन वो चूंकि अचानक आए और लगभग बैंक में वो एक मिनट के आसपास ही रहे हैं। उसके बाद जहां प्रारंभिक तौर पर उन्होंने चूंकि देख रखा था और वहां से उन्होंने ये घटना की है, तो इस बात को लेकर के बाकी लोगों से इसमें बैंक से पूछताछ की जा रही है। लगभग 5 लाख रुपये के आसपास रकम गई है। बंधक बनाया था? नहीं, बंधक नहीं। इसमें चूंकि मैंने बताया कि पहले से कई दिनों से यहाँ आते रहे थे, उन्होंने उसकी रेकी कर रखी थी, इनको एग्जैक्ट पॉइंट पता था और वहाँ पर जाकर के उन्होंने तत्काल एक घटना करके और यहाँ से ये भागे हैं। बाकी बहरहाल पुलिस ने उन लोगों से भी बात की है, बैंक के सभी कर्मियों से भी बात की है, बैंक के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो बाकी लोग हैं, कैमरों को पूरा खंगाला गया है, उसके बारे में हमारी टीम लगी है और जो तकनीकी हमारे पास जानकारियाँ हैं और हमारे पास जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है, दोनों के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरे में क्या है सर, सीसीटीवी फुटेज में क्या है? फुटेज में आधार पर बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, उससे उनके आने का, देखने का, उनके चलने का, बाहर किसी जो जानकारियाँ हो सकती हैं, हालांकि कुछ जानकारियां हैं जो अभी साबित नहीं की जा सकती, उन जानकारियों के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना लगभग 1 घंटा पूर्व। 4